हूँ दिव्यांशु दोस्ती और आप देख रहे हैं डिफेंस न्यूज। चीन पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के पार अपनी तरफ से तेजी से बुनियादी ढांचे का निर्माण कर रहा है। सीमा सड़क संगठन ने यूटी में अपनी परियोजनाओं में बाधा डालने वाली प्रक्रियात्मक देरी के बारे में गंभीर चिंता व्यक्त की है। वही रक्षा मंत्रालय के सूत्रों ने पुष्टि की कि बीआरओ ने हाल ही में मंत्रालय को इसके सामने आने वाली कठिनाइयों के बारे में सूचित किया था। ये पर्यावरण और वन्यजीव कानूनों के तहत मंजूरी लेने में देरी से संबंधित है। सूत्रों ने कहा कि रक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं को ध्यान में रखते हुए इस मुद्दे को हल करने के लिए सभी हितधारकों के साथ मामला उठाया था। एक अधिकारी ने बताया कि नवंबर 2014 में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने वन अधिनियम 1980 की धारा 2 के तहत सीमावर्ती बुनियादी ढांचे के कार्यों को शुरू करने के लिए वन मंजूरी में तेजी लाने के लिए एक सामान्य मंजूरी दी थी। यह अनिवार्य है कि LSC से हवाई दूरी के 100 किलोमीटर के भीतर बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन समिति से किसी पूर्व मंजूरी की आवश्यकता नहीं थी। व्यवस्था काम शुरू करने और फिर छूट और मंजूरी लेने की थी। आदेश में रणनीतिक सड़क निर्माण के लिए भूमि के डायवर्जन की भी अनुमति दी गई है। विशेष रूप से यह छूट वन्य जीव अधिनियम 1972 के तहत वन्य जीव संरक्षण के मुद्दों पर लागू नहीं होती है। प्रत्येक परियोजना को विशेषज्ञों की एक समिति द्वारा एक स्वतंत्र जैव विविधता प्रभाव मूल्यांकन की आवश्यकता होती है, जो राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। 1962 के युद्ध में लद्दाख के पठार में बड़ी लड़ाई हुई थी। लद्दाख में लगभग 9000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र वन्यजीव अभयारण्यों के अंतर्गत आता है। इनमें से कुछ पर्वत श्रृंखलाएं शामिल हैं जो रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है और तिब्बत में LSC के पार एक गहरा दृश्य प्रदान करती है। बुनियादी ढांचे के निर्माण पर पूर्ण प्रतिबंध हटाने का प्रस्ताव पहली बार 2012 में प्रस्तावित किया गया था, लेकिन राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड के गैर आधिकारिक सदस्यों ने इसका विरोध किया। इससे पहले अक्टूबर 2011 में जानवरों की आबादी का एक स्वतंत्र सर्वेक्षण पूरा किया गया था। इस बीच तिब्बत की और समान भूभाग और परिस्थिति की पर चीन हर मौसम में संपर्क प्रदान करने के लिए आगे बढ़ा है।